सबसे पहले आप सब लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ हिमाचली ब्लॉगर सरोज, वेलकम है आपका मेरे चैनल में। यहाँ मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ चिली चने की रेसिपी। तो चिली चने बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेने हैं चने। तो इनको बॉईल करके मैंने यहाँ पे इसका पानी जो है ना उसको ड्रेन कर दिया है, और अभी जो है हम इनको ले लेंगे एक बाउल में। और बाउल में लेने के बाद हम इसमें कॉर्नफ्लावर डाल के जो है कॉर्नफ्लावर से चनों की अच्छे से कोटिंग कर देंगे। इसमें हमें पानी ऐड नहीं करना है क्योंकि चने अभी ही बॉईल करके निकले हैं, तो पानी डालने की ज़रूरत नहीं। थोड़ा सा नमक भी डाल देना है और अच्छे से कोटिंग कर लेनी है, और उसके बाद जो है कर देना है चनों को फ्राई। तो पके हुए हैं, ज़्यादा इनको मतलब ज़्यादा देर फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़े डालने के बाद तुरंत ही इन्हें जो है हमें निकाल लेना है, ये क्रिस्पी हो जाएंगे। चनों को फ्राई करने के बाद यहाँ मैंने एक कटोरी ली है, उसमें एक चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया है और साथ में जो है थोड़ा सा पानी ऐड करके जो है इसका पेस्ट बना लिया है। तो जो कॉर्नफ्लावर का पेस्ट है उसमें जो है हमें डालना है सोया सॉस एक चम्मच, और एक चम्मच वाइट विनेगर होता है उसकी, और एक ही बड़ी चम्मच जो है हमें किसान केचप की यहाँ पर डाल के जो है इस पेस्ट को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो जी चने भी फ्राई हो गए और सॉस भी हमने बना के रेडी कर लिया, सॉस का पेस्ट भी बना के रेडी कर लिया। यहाँ पे मैंने ली है शिमला मिर्च जिसको कट किया है इस तरीके से, साथ में मैंने लिया है प्याज और हरी मिर्च, ये भी कट करके रख दिए हैं। अभी हम क्या करेंगे, जिस कढ़ाई में मैंने चने फ्राई किए थे उसी में मैं बना रही हूँ। थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है और थोड़ा सा यहाँ पर मैंने जीरा और थोड़ा सा हींग ऐड कर दिया है, और उसके बाद हम यहाँ पर प्याज को ऐड कर देंगे और थोड़ा थोड़ा इसको प्याज को पकाएँगे। और इसमें जो है हम अपने जो नॉर्मली हमारे मसाले रहते हैं वो ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने नमक ऐड किया है, हल्दी है, मिर्च पाउडर है, और थोड़ा सा धनिया पाउडर है, थोड़ा सा जीरा पाउडर है, जो भी हमारे बेसिक मसाले रहते हैं वो सब मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। और उसके बाद थोड़ी देर प्याज को पकाने के बाद मैंने ऐड कर दिया है यहाँ पर कैप्सिकम, और ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ हमने जो है ना इसका सिर्फ कच्चापन ख़त्म करना है। और उसके बाद जो हमने जो सॉस बना के रखा है ना उसको अभी हमें ऐड कर देना है, और बस फिर इसको जो है हमें चलाते रहना है। और थोड़ी देर चलाने के बाद जो है हमें ऐड कर देने हैं इसमें चने, और बस ये इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। आप चाहें इस पे ऊपर से हरा धनिया ऐड कर सकते हैं, और सर्विंग के टाइम जो है आप इसमें नींबू भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे चिली चने बनके रेडी हैं। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।